नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, पर अगर किसी का ब्लड प्रेशर 240 हो तो क्या वो कंट्रोल हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसे भी डायबिटीज़ की तरह साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि सालों साल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ये अंदर ही अंदर शरीर में खराबी करता रहता है। जैसे कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज लाता है, जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, किडनी को भी डैमेज करता है, आंखों का पर्दा यानी कि रेटिना को भी खराब करता है, साथ में इसमें स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के पेशेंट से मिलते हैं, जब वो हमारे पास आए थे तब उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 240 था। हमने पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दी, उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हुआ, 150 तक आ गया, और आज की तारीख में उनका ब्लड प्रेशर 130-140 तक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशान गुप्ता। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा जिनका ब्लड प्रेशर जब वो हमारे पास आए थे तब 240 था। फिर हमने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और उनको उस दवाइयों से वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि उनका हमारे ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहना है। मैं राजपाल सिंह बिश्नोई, जिला मेरठ, तहसील मवाना, कस्बा फलावदा का रहने वाला हूँ। मेरा बीपी 240 के आसपास रहता था। अब मैं जब से यहाँ आगरे में आया हूँ और ईशान गुप्ता जी का मैंने ट्रीटमेंट किया है, तो अब मेरा बीपी 160, 150, 140 के आसपास आ गया 10 दिन में। तो मैं इनके ट्रीटमेंट से बहुत संतुष्ट हूँ। जैसा कि आपने सुना कि राजपाल जी का बीपी भी कंट्रोल हो गया, मैंने ब्लड प्रेशर पे एक अच्छी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आप मुझे पर्सनली दिखाना चाहते हैं तो आप ईशान हार्ट सेंटर आगरा में आके मुझे दिखा भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।